बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा गांधी जी के सम्मान पर दिए गए निर्णय की अवहेलना होते देख पूर्व मंत्री बीडी कुरैशी ने आवाज उठाई, जिसके बाद भिलाई निगम ने वाहनों से हटाया लोगो। केंद्रीय स्वच्छ भारत अभियान के लोगों में महात्मा गांधी जी के चश्मे का उपयोग ऑफिस के पत्राचार, स्टेशनरी, पोस्टर, कैलेंडर होल्डिंग, शासकीय बिल्डिंग में एवं प्रचार प्रसार के लिए उपयोग के साथ भारत देश में सभी शासकीय आयोजनों के साथ ही सुलभ शौचालय, कचरों के डिब्बे पर भी इसका उपयोग किया जा रहा था। इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने आवाज उठाई और इस मामले में माननीय न्यायालय ने गांधी जी का सम्मान रखने याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुना दिया। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम में चश्मे का लोगों को लेकर अनदेखी पाई गई, जिस पर पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने भिलाई महापौर से मामला अवगत कराया। इसके बाद निगम भिलाई द्वारा कचरा कलेक्शन कर रहे वाहन में प्रकाशित चश्मे को लोगों को मिटाया गया। इस संबंध में पूर्व मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी ने प्रतिक्रिया दी है। स्पष्ट है कि मेरा कहना नहीं है, ये तो लड़ाई हमने हाई कोर्ट में लड़ी और हमने पूरी तरह से इस मामले को पेश किया और चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसको स्वीकार करते हुए इस पर कार्रवाई करने का आदेश दिया और यहाँ तक कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी इंस्ट्रक्शन दिया। केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सरकार को ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी सरकारें हैं केंद्र से लेकर राज्य तक सबको इंस्ट्रक्शन दिया कि गांधी जी का ऐसा जहां पर भी गंदे जगहों पर सुलभ शौचालय ऐसा इसी जगह पर अगर उनका बनाया गया है फोटो और उनका चश्मे का निशान दिए रखा गया है उसको तत्काल हटाया जाए। और हटाने के नाम पर उन्होंने हमारे वकील को 50,000 रुपये दिया और उन्होंने हमारी पीठ थपथपाई कि वाकई में आपने बहुत संज्ञान लिया और ऐसे मामले में, महात्मा गांधी जी के मामले में, उसके लिए उन्होंने हमको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और आज इस प्रकार की बातें हों, जबकि हिंदुस्तान में तमाम स्टेटों में ये सब मिटा दिए गए हैं और हमारे ही प्रदेश में अगर ऐसी बात आए, जबकि सबको मालूम है, वास्तविकता मालूम है, और उसके बाद भी इस प्रकार से संज्ञान में न लेके उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, ये गलत है। और अगर अब हमने साफ कह दिया है, महापौर से भी उन्होंने हमने क्लियर कह दिया है कि आप इस तमाम इस प्रकार की कार्रवाई को आप हटाइए और कार्रवाई करिए, अगर ये पुनः फिर अगर की जाएगी तो हमें इसके ऊपर जन आंदोलन तो किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।